ठीक है, एज ए डेवलपिंग कंट्री इंडिया इज फेस्ड विद ए मल्टीट्यूड ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स. वन सच प्रॉब्लम इज चाइल्ड लेबर हैज डिस्ग्रेस्ड द इंटायर सब कॉन्टिनेंट गिविंग इट द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो जो इंडिया की कंडीशन है वो आप देख रहे हो कि जो चाइल्ड लेबर की जो पॉपुलेशन आप कह रहे हो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, वर्ल्ड में, इंडिया में है. ठीक है, एज ए डेवलपिंग अपनी कंट्री कैसी है, डेवलपिंग नेशन है और बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम जो है उसको फेस कर रही है इंडिया, और उनमें से एक प्रॉब्लम है दैट इज चाइल्ड लेबर. ठीक, इन इंडिया द ट्रेडिशन ऑफ एजुकेशनल लर्निंग आउटसाइड द होम वॉज कन्फाइंड टू द अपर कास्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी. तो जब पुराने टाइम में देखें तो जो ट्रेडिशनली आप देखते हो इंडिया का जो कल्चर है उसमें क्या है, जो एजुकेशन लर्निंग है वो अपर कास्ट लोगों के लिए ज्यादा बनाई गई है इंस्टेड ऑफ लोअर कास्ट पर्सन. ठीक है, तो जब सोसाइटी कास्ट के बेसिस पे अपनी डिवाइडेड थी पहले से ही, अगर आप पनिशमेंट देख लो, आप एजुकेशन देख लो, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट दी जाती थी. अगर आपकी जो कास्ट है वो ऊंची कास्ट के आप हो तो आपको पनिशमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलती थी, मतलब कम मिलती थी. ठीक है, अगर यही चीज आपके अगेंस्ट किसी ने किया, जैसे कि आप ऊंची कास्ट के और लोअर कास्ट के पर्सन ने आपके अगेंस्ट कुछ किया हो तो वहां पे क्या होता था, एक सेफ साइड के लिए जो पनिशमेंट थी वो लोअर कास्ट वाले को ज्यादा मिलती थी. तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड थी. तो जब डिविजन हम देखते हैं हर स्पीयर में हुआ है, यहाँ पे जो एजुकेशन है उसमें भी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के बेसिस पे डिविजन था कि जो अपर कास्ट के लोग थे उन्हीं के लिए पढ़ना लिखना बनाया गया था इंस्टेड ऑफ द प्रिविलेज क्लासेस. ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ द प्रोड्यूसिंग क्लासेस लर्न द नेसेसरी स्किल्स एंड वर्क वेज इन द फैमिली. फॉर्मल एजुकेशन हैज लिटिल रिलेवेंस टू देम. दिस ट्रेडिशन जो अभी तक चलता आ रहा है इवन टूडे अमंग सम सेगमेंट ऑफ द हैव नोट्स. अभी तक यही जो पुरानी जो चीजें हैं वो कंटिन्यू हैं कहीं ना कहीं कुछ किसी फॉर्म में. वही हम देख रहे हैं, वही रीजन है चाइल्ड लेबर के. देयर चिल्ड्रंस आर इंडक्टेड एंड इंडॉक्ट्रिनेटेड इन द कल्चर ऑफ वर्क फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. स्टेप बाय स्टेप दीज चिल्ड्रंस गेट स्टीप्ड इन द इथोस ऑफ लेबर. धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, जब ये बच्चे जो ऑलरेडी इनके सोसाइटी में जो चल रहा है, जो पुराना कल्चर फैमिली से चलता चला आ रहा है, ये सारे रीजन एक तरीके से एकुमुलेट हो जाते हैं और लेबर की तरफ एक कह सकते हो इंक्लाइंड हो जाते हैं. ये रीजंस हैं चाइल्ड लेबर के. इसीलिए इंडिया में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में आप देखोगे तो इंडिया में चाइल्ड लेबर है. कहीं ना कहीं ये जो ट्रेडिशंस हैं हमारे पुराने कल्चर हैं उनके, उनका ये रिजल्ट है. द रीजन फॉर एम्प्लॉइंग चिल्ड्रंस आर मैनी. अब हम लोगों ने देखा कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, पहले भी हम अभी देखते चले आ रहे हैं कि बहुत बड़ा रोल है इनका. एक तो इनमें एनर्जी फुल होती है कि आप इनसे कितना भी काम करवा लें ये आर्गुमेंट्स नहीं करेंगे आपको. ठीक है, इनको आप कितना भी इनके साथ लेबर गिरी करवा लो, आप भाई एक्सेस वर्क ले लो, बट दे विल नॉट से. ठीक, उनके वेजेस से रिलेटेड भी आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे. यही आप किसी अडल्ट को रखते हो तो वहां पे कई चीजें आपको देखनी पड़ती हैं. बच्चों से आप कितना भी काम करवा सकते हो. ठीक है, तो द रीजन ऑफ चिल्ड्रंस आर मैनी. चाइल्ड लेबर्स के जो एम्प्लॉय करने के, जो चिल्ड्रंस को रखने के काम पे रीजन्स हैं वो बहुत सारे हैं. उनमें से कुछ रीजन्स यहाँ पे मेंशन है. ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग बिकॉज ऑफ बीइंग ऑर्फन, रिजेक्टेड बाय द पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ ब्रोकन फैमिलीज. ये सारे रीजन चाइल्ड लेबर के भी होते हैं और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के भी होते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं जब बच्चा क्या होता है, निग्लेक्ट हो जाता है अपने घर परिवार से बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स. हो सकता है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, हो सकता है वो ऑर्फन हो सकता है उनकी परिवार फैमिली टूट गई हो. अच्छी अच्छी फैमिलीज हैं, जो अभी आजकल न्यूक्लियर सिस्टम ज्यादा है, न्यूक्लियर फैमिली में रहने का है, तो माँ बाप क्या होते हैं, मोस्टली दे आर ऑन वर्क. ठीक, तो बच्चों को क्या होता है, उनका बच्चा एक तरीके से आइसोलेट हो जाता है चीजों से. वो रीजन्स हो जाते हैं कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटल ग्रोथ है उसको हैम्पर करते हैं. जब आप बच्चों से दूर हो, उनको नहीं पता कैसी उनकी अपब्रिंगिंग होनी है, क्या होना, उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं. पेरेंट्स जो वर्किंग है, जो ध्यान नहीं देते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, हर सेक्शन में आप देख लो, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल क्लास, जो भी फैमिलीज हैं, इन ये सारे रीजंस बताए गए हैं चाइल्ड डेलिक्वेंसी के, एज वेल एज अभी आप देख रहे हैं कि चाइल्ड लेबर के भी ये रीजंस हैं. ठीक है, उसके बाद क्या है,
the vast majority of children's labor to make the causes of child labor are intrinsically interrelated. The various case causes of child labor are as follows. सबसे बड़ी जो first point हम देख रहे हैं that is poverty. Poverty is the one of the most widespread reasons for the child labor system in India. ये सबको पता है कि जो poverty है वो एक बहुत बड़ा reason है. इसी के लिए नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आदमी करता है because of this particular reason. Nearly half of the Indian की population क्या है, below poverty line है. जहाँ पे फैमिलीज के साइज क्या है, बड़े हैं. ये जनरल ओपिनियन, मतलब एडिशन आप एड ऑन कर रहे हो क्योंकि फैमिली की इनकम क्या हो जाती है, कम है, और मेंबर्स ज्यादा हैं. मेंबर्स जब ज्यादा हैं तो हाथ क्या होने चाहिए, जो कमाने वाले हाथ हैं वो भी ज्यादा होने चाहिए. तो जब कमाने वाले हाथ ज्यादा चाहिए तो जो बच्चे भी हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इंक्लाइंड हो जाते हैं लेबर करने के लिए, फोर्सफुली या अनफोर्सफुली. आप जो भी देखोगे आपके ओवरऑल सिचुएशंस ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि आपको काम करना ही पड़ता है. ठीक है, उनकी इनकम क्या होती है, सप्लीमेंट, देयर इनकम सप्लीमेंट्स द फैमिली इनकम एंड टेक्स केयर ऑफ इलनेस एंड अदर कंटिजेंसीज. कोई भी इमरजेंसी में क्या होता है, ये सारा जो एक्स्ट्रा मनी होता है, एक भूख मिटाने के लिए तो अलग चीज है, जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कमाते हैं फैमिली मेंबर्स वो कंटिजेंसी फंड के अंदर आता है, इन इमरजेंसी यूज कर सको. ठीक है, एक्स्ट्रा मनी इन हैंड. तो क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी के लिए इन सारी चीजों का सहारा लिया जाता है. दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हम चाइल्ड को क्या करते हैं, काम करने के लिए भेज देते हैं. फिर क्या है, द मोस्ट केस स्टडीज ऑफ चाइल्ड लेबर इनडीड इन आइडेंटिफाई द पॉवर्टी ऑफ द हाउस होल्ड. काफी न्यू फेसेस आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेते रहे, ठीक है. तो पॉवर्टी हमने फर्स्ट ऑफ द रीजंस देख लिया, किसकी वजह से चाइल्ड लेबर बढ़ रहा है. लैक ऑफ पेरेंटल इंटरेस्ट, ठीक है. तो नेक्स्ट क्या है, पेरेंटल इंटरेस्ट. अब ये पूरा ओवरऑल हम देख रहे हैं कि दिस इज visible mostly in the rural areas. The rural people are not exposed to the education. उनको नहीं पता है education क्या है, उसके benefits क्या है, बाद में किस काम आएगी education. उनके लिए सिर्फ क्या है, जो उनकी family business है समझो, वो continue रहे. ठीक है, उसके लिए उसके घर के बच्चों को भी काम पे लगाना पड़े, it doesn't matter. Okay? तो ये जो पेरेंट्स का इंटरेस्ट है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को, वो एक बहुत बड़ा रीजन है चाइल्ड लेबर का. ठीक, तो जैसे हमने पहले भी बताया था कि चीजों को दांव पे लगाकर या फिर कह सकते हो कुछ चीजों को आप ब्लॉक करके दूसरी चीजें करवाना. ठीक है, वर्क और हमने क्या कहा था, लेबर में क्या डिफरेंस देखा था कि जब हद से ज्यादा आप मतलब उनके इंटरेस्ट को ध्यान में ना रखते हुए ऐसा कोई काम करवा रहे हो तब वो लेबर बन जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर पेरेंट्स फायदे को देखते हुए, बच्चे के फायदे नहीं, बस उनकी जो फैमिली जो सिचुएशन चलती चली आ रही है उसमें देखते हुए जो बेसिक एजुकेशन है वो ना प्रोवाइड करवाना, सिर्फ काम काज की चीजों में, एग्रीकल्चर फील्ड्स हो गई या फिर कोई भी आपका बिजनेस हो गया, होम बिजनेस हो गया, इन सारी चीजों में आप इंगेज रख रहे हो बच्चे को. और जो बेसिक चीजें, जो एक वन ऑफ द रीजन भी ये क्या है, ग्रोथ का भी रीजन माना जाता है एजुकेशन. ठीक, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो ये आगे चल के क्या होगा, जब बच्चा पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो आगे कैसे स्टैंड कर पाएगा. तो ये सारी रीजन चाइल्ड लेबर के आ जाते हैं. ठीक, दे डू नॉट हैव फेथ इन द एजुकेशन सिस्टम. उनको जब इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है एजुकेशन है क्या, तो उसमें ऑब्वियसली बात है फेथ होना नामुमकिन है. ठीक है, तो दे डू नॉट केयर टू अवेल द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी, कुछ भी होगा गांव देहात में आप देखते हैं तो वो चाहते हुए भी नहीं लेते हैं. स्कूल खाली पड़े होते हैं जो गांव के स्कूल्स होते हैं, ना टीचर इंटरेस्ट लेता है ना बच्चे आने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पेरेंटल इंटरेस्ट की यहाँ पे कमी हो जाती है. ठीक है, इन देयर ओपिनियन एजुकेशन का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है, एज सच दे आर बाउंड टू सेंड देयर चिल्ड्रन फॉर लेबर. और जब एजुकेशन का कोई प्रैक्टिकल यूज ही नहीं है, किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन पाता है उसको कम से कम बहुत सा टाइम लगता है एक जगह पहुंचने के लिए. ठीक है, आपको पेशेंस की बहुत बड़ा जरूरत होती है,
और जो इस तरीके के जो लोअर क्लास के लोग हैं जिनको जरूरत है अभी पैसे की अपना पेट भरने की, वो इस तरीके का जो पेशेंस उनमें नहीं होता, ना ही वो बैठ सकते हैं कि इतने दिन इंतजार करें, और पहले ही भूखे मर जाएंगे तो एजुकेशन का वो क्या करेंगे। ये सारे थॉट प्रोसेस होता है एक इस कैटेगरी के लोगों का, ठीक है। इसलिए उनके लिए एजुकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं होती, इसलिए वो बच्चे को क्या करते हैं, भेज देते हैं इन सब कामों के लिए। एटलीस्ट कुछ तो क्या पैसा कमा के लेके आएगा। दिस फैक्ट हैज बीन हाईलाइटेड इन द मद्रास इंडस्ट्री। द स्टडी फाउंड दैट, कौन है, कनेक्ट नहीं हो रहा। वंदिता का आई थिंक कनेक्ट नहीं हो रहा, मैसेज चला उसका। पीडीएफ शो हो रही है आप लोग को, ठीक है। तो एक मद्रास स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग द स्टडी फाउंड दैट द वर्किंग चिल्ड्रन वर फ्रॉम लो लिटरेसी ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। जो मोस्टली जो वर्किंग चिल्ड्रन है वो लो लिटरेसी ग्रुप ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। उनमें एजुकेशन का जो रेट है वहां पे बहुत ही जीरो होगा, समझ लो बहुत ही लो। अबाउट 44% ऑफ द पेरेंट्स ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन वर इलिटरेट एंड अनदर 33% ऑफ देम बिलोंग टू लो लिटरेसी ग्रुप हैविंग स्टडीड अप टू द 5th स्टैंडर्ड ओनली, ठीक है। तो 44% लोग जो पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं उनके बच्चे क्या हैं, इलिटरेट हैं, और 33% कुछ ऐसे ग्रुप हैं जहां पर पढ़ाई तो की है बस 5th स्टैंडर्ड तक, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा कर ली है, पर ये मद्रास की स्टडी के अकॉर्डिंग ये डेटा है। द डेटा क्लियरली शोज द मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वर नॉट अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन। तो किसी भी पॉलिसी को आप घर घर तक तभी पहुंचाओगे जब उसकी वैल्यू और उसको अच्छी तरह से आप इम्प्लीमेंट करवा पाओगे, ठीक है। जब उसकी बेसी उसका क्लियर नहीं है, बेसिस स्ट्रांग नहीं है, तो वो घर घर नहीं पहुंच सकती। ये एक बहुत बड़ा रीजन है इन सारी प्रॉब्लम्स का। तो डेटा क्लियरली शो कर रहा है कि पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस ही नहीं पता एजुकेशन की, तो वो क्यों भेजेंगे स्कूल, ठीक है। देयर ओनली कंसर्न वॉज टू गेट मॉनिटरी बेनिफिट्स, पैसे रुपए से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं, मतलब टाइम बींग अभी के प्रोस्पेक्ट में देखते हुए वो फायदा देखते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म का गेन, ठीक है। द ओनली कंसर्न क्या होता है, मॉनिटरी बेनिफिट आप निकालो बच्चे के थ्रू एम्प्लॉयमेंट करवा के, ठीक है। दिस इज द ओनली रीजन। और उससे पढ़ लिख के क्या होगा, इतने दिन लग जाएंगे पढ़ने लिखने में, इतने दिनों में तो क्या उनकी फैमिली सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। क्योंकि तो एक बहुत बड़ा एक और चीज हो जाती है कि यहाँ पे क्या होती है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है इन सारे क्लासेस में, ठीक है। कि घर के जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो ज्यादा होते हैं, तो खाने पीने के लिए हर चीज के लिए एजुकेशन वो फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, थोड़ा बहुत एडिशन के लिए ये सारी चीजें क्या है, रीजन है चाइल्ड लेबर का, ठीक है। नाउ शिवम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, होने पर एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, इससे रिलेटेड लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी है कहीं। निशा, शैलेंद्र, वंदिता बताइए, एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो लिख रखा है, इंडिया देयर इज नो प्रोविजन फॉर कंपलसरी एजुकेशन, द प्रोविजन ऑफ कंपलसरी एजुकेशन अप टू ए प्रिस्क्राइब्ड एज व्हिच वुड कंपल द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। अब यहाँ पे डीपीएसपी भी आ जाता है भाई, और अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। आधी तो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, और आधा क्या होता है, जो हमने बताया ग्राउंड लेवल पे घर घर तक नहीं पहुंच पाती चीजें। जब घर घर तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, जब वो खुद ही अनएजुकेटेड है, तो सामने वाले को क्या एजुकेशन के लिए प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो डीपीएसपी और ये सब अपनी फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, जो पेरेंट्स की जो यहाँ बताई गई है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके हिसाब से क्या है, एज ग्रुप के जो अपने ये जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन। स्टिल जो कंडीशंस है वो कैसी है, जैसी की तैसी है। इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन की, किसी भी लॉस को क्या है, इम्प्लीमेंट जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो सक्सेस नहीं हो सकती, ठीक है।
आपको बताना पड़ेगा कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज क्या हैं, ठीक, चाहे वो किसी के भी हो, क्योंकि ये क्या है, बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों क्या है, साथ साथ चलते हैं। आप राइट्स के बारे में तभी डिमांड कर पाओगे जब आप अपनी ड्यूटी फुलफिल करोगे, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई ड्यूटीज फुलफिल की नहीं और आपसे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हो तो वहां पे वो चीजें वर्क नहीं करती, ठीक। आपके सेल्फ कॉन्शियस में एक गिल्ट होनी चाहिए कि आपने जो आपकी ड्यूटीज जो मेंशन है वो आपने की नहीं, बट यू आर मोर अवेयर अबाउट योर राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक। तो हमारी सबसे पहले ड्यूटी ये बनती है कि जो बच्चे हैं, जो हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम सबसे पहले ड्यूटी करें, और जो एज ग्रुप है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज हैं, उस एज ग्रुप के बच्चे को एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। फाइनली शिवम जी नहीं हो पा रहे हैं, ओके। सो हमने देखा कि लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, एब्सेंस ऑफ कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाते हैं, चीप लेबर। चीप लेबर हम किस सेंस में बात करेंगे यहाँ पे, किसके फायदे की बात हो रही है? चीप लेबर की अगर हम बात करें तो जो बच्चा काम कर रहा है उसकी, या फिर जो एम्प्लॉय इसको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, बताइए, जो दे रहा है, ठीक है, जो दे रहा है वो फायदे की बात सोच रहा है अपनी, कि भाई बच्चे हैं सस्ते में मिल जाते हैं, ठीक है, उनसे आप कोई भी काम करवा सकते हो, उनको पता ही नहीं है कि उनकी राइट्स क्या हैं, कितना उनकी वेजेस होनी चाहिए, ठीक है, मेंटेनेंस कितना कॉस्ट, क्या वो नहीं, वो जो स्ट्राइक्स वगैरह होती है उनमें वो पार्ट नहीं ले सकते, उनको पता ही नहीं उनके राइट्स क्या है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है चीप लेबर, कि चाइल्ड जो है इजिली अवेलेबल है, उसको आप बोल दोगे बच्चे बेटा 50 रुपए में ये आपको काम करना है ना, इतना करना है, 50 का जगह आप 200 का काम करवा लोगे, ठीक। तो बहुत ही लोअर प्राइस में आपको ये अवेलेबल हो जाते हैं इस तरीके के बच्चे। दे मे डू ऑलमोस्ट द सेम वर्क, सेम अमाउंट ऑफ वर्क एज एन अडल्ट, और काम किसके लेवल का करते हैं, एक अडल्ट के लेवल का काम करते हैं, पर कम पैसों में कर देते हैं। तो आदमी को यही तो चीज चाहिए, पैसा दबा के रखना है और काम भी ज्यादा ले लेना है, और बच्चों को पता ही नहीं है, ठीक। द अडेप्टिव एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन आर मच सुपीरियर टू दोज ऑफ अडल्ट, दे आर मोर फ्लेक्सिबल मेंटली एज वेल फिजिकली, and can be molded and pressurized easily into the exploitative tactics of the employers. उनको नहीं पता है, mentally, physically बच्चे strong नहीं होते, उन्हें दुनिया नहीं देखी होती, तो उनको mold करना बहुत easy होता है, अपने हिसाब से आप उसको ढाल लेते हो हर दिन के हिसाब से, ठीक है, कि बच्चा आएगा ये काम करना, एक दिन बताया, दो दिन बताया, तीन दिन, उसके बाद वो क्या है, वो खुद ही करने लगता है, उसको नहीं पता है कि उसको ये करना भी है, किस लेवल पे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं चाइल्ड लेबर के। चाइल्ड लेबर इज नॉट ओनली वेरी चीप टू द एम्प्लॉयर्स बट आल्सो ट्रबल फ्री सिंस दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज एग्रीटेशंस बाय देमसेल्फ, ठीक है। तो ट्रबल फ्री होते हैं, जैसे कि हमें पता उनको राइट्स ही नहीं पता है अपनी, तो जब राइट्स नहीं पता तो डिमांड क्या करेंगे अपनी राइट्स को, ठीक है। चिल्ड्रन कैन नॉट डिमांड एनी ओवर टाइम और द मेडिकल और द सिमिलर फैसिलिटीज, जो भी जो एक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं हम लोग को, बट जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं वो सोचते हैं बच्चों को पता ही नहीं उनके राइट्स के बारे में, तो ऑल सच थिंग्स जो मेडिकल हो गया, कोई भी बेनिफिट्स हो गया एक्स्ट्रा, वो डिमांड ही नहीं करते हैं, इससे क्या हो रहा है, उनका पैसा भी बचता है, ठीक है। इजली अमेनेबल फॉर नंबर ऑफ टास्क, एम्प्लॉयर्स प्रिफर चिल्ड्रन टू अडल्ट एज चिल्ड्रन आर लेस डेवलप्ड ईगो एंड स्टेटस कॉन्शियस नहीं होते हैं, कोई भी काम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उनको स्टेटस और ईगो उसमें नहीं होता है, और उनको सिर्फ लालच होता है पैसों का, ठीक है, 10 रुपए में भी कहो 100 रुपए का वो काम कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कैन बी पुट ऑन नॉन स्टेटस इवन डिमेनिंग जॉब्स विदाउट मच डिफिकल्टी, चिल्ड्रंस आर मोर एक्टिव, ऑब्वियसली बात है वो एक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी एज कम है, अडल्ट वही काम 2 घंटे में कर पाएगा, कहो बच्चे आधे घंटे में कर दें। एम्प्लॉयर्स फाइंड चिल्ड्रंस मोर एमिनेबल टू डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, कंट्रोल और डिसिप्लिन उनके ऊपर मेंटेन करना ज्यादा इजिली
इजी तरीके से हो जाता है इंस्टेड ऑफ अडल्ट के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाती है फैमिली डेप्ट। फैमिली डेप्ट तभी आएगी भाई जैसे कि आपके फैमिली मेंबर ज्यादा हैं, आपको कोई हेल्थ इशू हुआ किसी फैमिली में, उसने क्या किया पैसा ले लिया बाहर से, ठीक है, कर्जा, एक तरीके से अपने कर्जे को अपने घर की फैमिली की डेप्ट को चुकाने के लिए इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक। बच्चे बाहर आते हैं अपनी फैमिली अपने घर से निकल के ताकि वो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं कुछ हद तक फुलफिल कर सके अपनी फैमिली का सपोर्ट बनकर, ठीक। बर्डन ऑन द फैमिली टू पे ऑफ स्टैंडिंग डेब्ट्स आल्सो कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड लेबर, ऑफन फैमिली डेब्ट्स आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब एक जनरेशन का हो सकता है कोई नहीं रहा तो वो क्या है फैमिली डेब्ट किस पे हो गया जो नेक्स्ट जनरेशन का है, अगर फादर ने फुलफिल नहीं कर पाया वो डेब्ट नहीं चुका पाया तो उसके सन पर उसकी फैमिली पर फर्दर कंटिन्यू रहता है। उसके लिए क्या होता है कि जो इस तरीके के जो बच्चे हैं दे फोर्सफुली उनको कहीं ना कहीं इन तरीके की चीजों में लेबर में उतरना पड़ता है। एज द क्राई अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड रिलीफ एंड यू जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से स्टडी ये बताती है इन शिवाकाशी मैच फैक्ट्रीज है फाउंड दैट इवन द चाइल्ड इन द वोम इज प्लेस्ड टू द फैक्ट्री। ओ माय गॉड, ये देखिए आप, एक बच्चा जो अभी कोख में है उसको भी एक तरीके की शपथ दिला देते हैं एक माँ की तरफ से, मतलब आप समझ लो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये आपको काम करते रहना है। हो सकता है आपने जो फैक्ट्री का जो मेन हेड है उससे आपने क्या ले लिया हो डेप्थ ले लिया हो, ठीक है। अब वो क्या हुआ जीते जी माँ बाप नहीं चुका पाते हैं, जो बच्चा पेट में है फर्दर उसको भी एक तरीके से आप सोच सकते हो चुकाना है, एक प्लेज है तो द फैक्ट्री के ऊपर आप ले रहे हो कि भाई मैं मेरा पूरा परिवार आपकी इस फैक्ट्री के लिए काम करता रहेगा, ठीक है, सदियों। एंड कंजप्शन एंड द मैटरनिटी लोन्स आर ऑब्टेन अंडरटेकिंग द चाइल्ड बॉर्न। ओ, अगर मैटरनिटी से रिलेटेड कोई भी लोन लिया जा रहा है कोई ले रहा है तो उसमें भी क्या है क्लॉजेस डाल दिए जाते हैं कि अंडरटेकिंग ये लिखवा ली जाती है, साइन करवाते होंगे कि चाइल्ड लेबर, चाइल्ड जो भी पैदा होगा लड़का या लड़की वो क्या करेगा वुड वर्क फॉर द फैक्ट्री। जो भी बच्चा पैदा होगा इस शर्त पे हम आपको लोन दे रहे हैं कि भाई वो इस फैक्ट्री के लिए काम करेगा, ठीक है। बाउंडेड चिल्ड्रन हैव नो वे ऑफ एंडिंग द साइकिल ऑफ डेप्ट क्रिएटेड बाय देयर पेरेंट्स। तो इस तरीके के जो जबरदस्ती का जो एक आप पैदा होने से पहले ही आपके ऊपर जो एक बर्डन डाल दिया गया है वो बच्चे अगर इस तरीके के पढ़ने भी चाहें फिर भी उनके ऊपर एक डेप्ट है कि आपको भाई क्या करना है इन फैक्ट्रीज में जाके काम करना ही करना है क्योंकि आपके माँ बाप ने एक टाइम पे लोन लिया था, ठीक है। देयर लेबर सीम्स ओनली टू इनकर मोर डेप्ट एज देयर मास्टर कंट्रोल देयर फेथ। उनका जो पूरा फेथ है वो किसके कंट्रोल में होता है उनके मास्टर्स के, ठीक, हेड के कंट्रोल में होता है कि भाई उनके जीवन क्या है उनके हाथों पे उंगलियों के इशारों पे चलता है, ठीक है। देन लार्ज फैमिली उसी के अंदर आ जाएगी कि ज्यादा फैमिली के लोग हैं तो ऑब्वियसली बात है क्या है बच्चों को उतरना पड़ता है काम के लिए, ठीक। एज अ रिजल्ट दे कैन नॉट गिव शेल्टर टू द चिल्ड्रन, दे थिंक दैट एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद हैंड टू फीड देम। इनका एक कंसेप्ट और है इन तरीके के जो ग्रुप होते हैं कि भाई हर चाइल्ड हर बच्चे के पास क्या है हाथ दिए गए हैं खुद से फीड करने के लिए, खुद कमाओ खाओ और अपना जीवन बिताओ, ठीक है। द जनरल इंडियन एटीट्यूड टुवर्ड चाइल्ड लेबर, इतना समझ आ रहा है? हाँ ठीक है। नाउ हाँ, जनरल इंडियन एटीट्यूड क्या है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड वो तो हम लोग को पता ही है। द जनरल इंडियन एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइल्ड लेबर प्रेजेंट अनदर फैक्टर इन द कंटिन्यूएंस ऑफ दिस प्रॉब्लम फाउंड इन द कल्चर व्यू ऑफ द सोशल ऑर्डर एंड द हायरार्किकल कास्ट सिस्टम। अभी बताया था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिपेंड करता है, ठीक है। कोई आप गलत काम करोगे तब भी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आपको पनिशमेंट प्रोवाइड करने का सिस्टम था पहले भी और अब तो क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ, पर पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट देखा जाता था आपकी कास्ट क्या है उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट ऑफर किया जाता था। उसी तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम था वो भी इसी तरीके से था कि जिस कास्ट के आप हो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ने लिखने का अधिकार था, ठीक है। तो ये रीजन बन जाते थे जब उस पर्टिकुलर कास्ट के बच्चे पढ़ते ही नहीं थे तो वो फर्दर इस तरीके से मूव ऑन हो जाते थे चाइल्ड लेबर की तरफ। दिस एटीट्यूड कंसिस्ट्स ऑफ फीलिंग ऑफ इंडिफरेंस एंड हेल्पलेसनेस टूवर्ड्स चाइल्ड लेबर।
और ये सारी चीजें निगेटिव इम्पैक्ट डालती थी बच्चे की टोटल अपब्रिंगिंग में। वो पहले ही से अपने आप को असहाय फील करने लगता था और ये एटीट्यूड उसमें एक भेदभाव की भावना को डाल देता था। और क्या है, बिल्कुल हेल्पलेस जब हो ही जाओगे, जब सोसाइटी आपको इस तरीके से ट्रीट करेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू इंक्लाइन ऑल इन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, चाइल्ड लेबर टाइप की। नाउ स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, और फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, इनएफेक्टिव लेजिस्लेशन। अब इनएफेक्टिव लेजिस्लेशन कब होगा भाई, जब आप पॉलिसी तो बना रहे हो पर उसको इंप्लीमेंट करने के आपके पास तरीके नहीं है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव पास्ड अ नंबर ऑफ लेजिस्लेशन कंसर्निंग ओवर द चाइल्ड लेबर एंड द वेलफेयर मेजर्स और स्कीम्स टू रिमूव द चाइल्ड वर्कर्स फ्रॉम डेंजरस ऑक्यूपेशन इन इंडिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे लेजिस्लेशन ऐसे आ गए हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे प्रोविजंस भी डाले हुए हैं जहाँ पे हम बात करते हैं वेलफेयर की, ऐसी स्कीम्स बनाने की जहाँ पे इन तरीके की जो डेंजरस ऑक्यूपेशन है उनमें चाइल्ड जो इन्वॉल्व है उनको क्या करा जा सके, हटा के रखा जा सके, अलग रखा जा सके, ठीक है। बट नॉट एनफोर्स इन प्रॉपर और रेगुलर वे एंड नॉट टेकिंग स्टेप्स अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एज टू व्हाट आर द रीजंस ऑफ चाइल्ड लेबर्स इन इंडिया, ठीक है। बट ग्राउंड रियलिटी एकदम डिफरेंट है, प्रॉपर तरीके से रेगुलर तरीके से आप स्टेप नहीं ले पाते हैं, ठीक है, कि करना क्या है, रीजंस क्या है। जब आपको रीजन ही नहीं पता है तो आपको सॉल्यूशन कैसे पता होंगे, ठीक है। सिर्फ पॉलिसी बनाने देने से सॉल्यूशन नहीं हो जाता है, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे एक एक चीज पता होनी चाहिए, पहले चीजों का सॉल्यूशन पता होना चाहिए छोटे लेवल पे कि क्या चीज इस तरीके की चीजों को प्रमोट कर रही है। जब आप वो जड़ें काटोगे तब जाके ऊपर की चीजें स्लोली स्लोली बिल्डअप होंगी, ठीक है। द लेबर इंस्पेक्टर्स एंड द मशीनरी कंसर्निंग द चाइल्ड लेबर डू नॉट फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो जो लेबर, जो मशीनरीज हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, ठीक है, वो चाइल्ड लेबर जो मेजर्स हैं, जो एक्ट हैं, वो बने हुए हैं बट वो इसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, ठीक। यहाँ पे भी क्या आ जाता है, करप्शन आ जाता है। इवन द चाइल्ड लेबर इंस्पेक्टर जो होते हैं, जो इंस्पेक्ट करने आते हैं टाइम टू टाइम कि क्या चल रहा है, उनको भी क्या होती है, एक क्लियर रिपोर्ट बना के सेंड कर देते हैं कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई बच्चा काम नहीं कर रहा है इस तरीके का। अदर कंसर्निंग ऑफिशियल्स देमसेल्व्स आर कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर बिकॉज इट टेक्स सम एज ए ग्रेटिफिकेशन, ब्राइबरी, ये सारे जो रिश्वतखोरी वाले काम है, ये चीजों को दबा के रखना, ठीक है। जब ईयरली और रिपोर्ट जाती है उस टाइम पे क्या होता है, इन सारी चीजों, इन सारे लोगों का पेट भर दिया जाता है इस तरीके की करप्शन रिलेटेड जो सिस्टम है उससे, ठीक। ये सारे रीजन बन जाते हैं कि स्टेट और सेंट्रल की पॉलिसीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ग्राउंड लेवल पर ही करप्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो एक स्टेट के बारे में, उत्तर प्रदेश, केरला और आंध्र प्रदेश, थोड़ी स्टडी जो है। अब आपको ये जो स्टडी है ये बहुत ध्यान से आप देख लेना, क्या सेंसस है 2001 के अकॉर्डिंग इन तीनों जो स्टेट हैं उसमें, कि क्या किस लेवल पे चाइल्ड लेबर है, क्योंकि ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये डेटा आपको याद होना चाहिए, जनरल जो रीजंस हैं वो तो पता ही होना चाहिए, वो आप ही आंसर फ्रेम करते समय आप मेंशन कर दीजिएगा। और ये जो ओवरऑल स्टडी है इसमें हम देखते हैं कि चाइल्ड लेबर नीड्स टू ग्रो इन एन एनवायरमेंट दैट इनेबल्स देम टू लीड ए लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी वेयर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर प्रोवाइडेड टू ग्रो इन द वर्ल्ड ग्रो इन टू ए वर्थी सिटीजन। हर चाइल्ड के पास क्या है, राइट, कि उसको सोसाइटी से बेस्ट मिल सके। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऐसे हैं जो डिप्राइव्ड हैं अपनी राइट्स से, ठीक है। और इस तरीके की बहुत सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं जिनमें वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग अमाउंग 226 मिलियन चिल्ड्रंस इन इंडिया दैट आर कौन सी एज ग्रुप में है, 6 to 14 एज ग्रुप में, जो कि इसमें से 65 मिलियन ऐसे हैं, 226 ओवरऑल आपका डेटा हो गया मिलियन चिल्ड्रन इंडिया में जो कि 6 से 14 साल के एज ग्रुप के हैं, जिसमें से 65 मिलियन ऐसे हैं जो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अटेंड नहीं करते, मतलब लिटरेसी रेट यहाँ पे क्या हो गया, 0। द मैग्नीट्यूड ऑफ चाइल्ड लेबर हैज इंक्रीज्ड। 1991 में जो चाइल्ड लेबर का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, 11.59 मिलियन,
जो कि 2001 के सेंसस में 12.66 मिलियन हो गया, मतलब बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पे पॉलिसीज क्या हो गई, फेल हो गई। हाउएवर अनऑफिशियल सोर्सेस ये कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये सेक्टर वो है जो ऑर्गेनाइज है, जहां का डेटा हमको मिल सकता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जहां पे बच्चे घरों में काम कर रहे हैं, जिसका डेटा पाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं वो ये क्लेम करते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंगेज इन लेबर इज बिटवीन 25 to 30 मिलियन, सिंस ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर इंगेज इन द डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि 2001 के सेंसस में कवर्ड नहीं किए गए हैं। जो भी डेटा आ रहा है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का आ रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का 2001 के सेंसस में डेटा नहीं है। कि इस तरीके के जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क में, जो एग्रीकल्चर वर्क में, जैसे फैमिली किसी के एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उनके बच्चे भी उसी में काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, उनकी लिटरेसी रेट क्या है, 0 है, वो वाला डेटा यहाँ पे कवर नहीं किया गया है। अगर वो डेटा कवर कर लिया जाए तो जो ओवरऑल सिनेरियो, जो सीन है, वो टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है। चाइल्ड वर्कर्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट, हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरीज में, इंडिया में क्या है, चाइल्ड लेबर है। उत्तर प्रदेश जो एक कह सकते हो घर है, जहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन वर्क कर रहे हैं 1,000 years वर्क के अंदर, ठीक है, चाइल्ड लेबर भी है इसके अंदर। एक कैटेगरी 1,000 years होती है, एक 9,000 years होती है। यहाँ पे जो डेंजरस है, जहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है, उस तरीके के काम में इंगेज है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस फिगर 13,26,726 चाइल्ड लेबर्स हैं उत्तर प्रदेश में इन 1971 में। अब हमको देखना है कि डेटा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। तो इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है, 14 लाख के ऊपर पहुंच गया है 1981 में, फिर स्लाइटली डिक्लाइन हुआ 1991 में, 14,10,000 के करीब इधर आ गया। हाउएवर इट इंक्रीज टू 19,27,000 और 997 इन 2001, ठीक है। तो 2001 में क्या हमने देखा, बढ़ गया, बीच में 1991 में थोड़ा डिक्रीज हुआ, ये याद रखिएगा। फिगर यूपी का, सबको वॉइस आ रही है, ओके। तो ये जो डेटा है उत्तर प्रदेश का, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 1991 में ये डिक्लाइन हुआ है, पर फिर से 2001 में इंक्रीज हो गया है। तो जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में इंगेज्ड हैं, ये हमारा क्या है, ये हम सीधे पहुंच गए अपने सिलेबस पे, जहाँ पे हमको वर्क करना है। पूरी इतनी कहानी पढ़ते हुए आए हैं हम, अब जाके हम आए हैं हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। अभी तक हमने बेसिक पढ़ा है। तो जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन कहाँ पे इंगेज हैं, कारपेट वीविंग, लॉक मेकिंग, पॉटरी, ब्रास वेयर, ग्लास, नाइफ मेकिंग, टेक्सटाइल लाइक सिल्क, ब्रोकेड, जरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखिए, आपको यहाँ पे मिल रही हैं, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वर्क जो बच्चे कर रहे हैं, वो इन इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं, ठीक। द कंसेंट्रेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इज हाउएवर नॉट नेग्लिजिबल इन केरला। अब ये बहुत बड़ी स्टडी यहाँ पे आप देख सकते हो कि केरला में हमने देखा था लिटरेसी रेट कितना हाई था, ठीक है, आप सेक्स रेशियो भी कितना हाई था, पर फिर भी वहां पे जो चाइल्ड लेबर है वो नेग्लिजिबल नहीं है, ठीक है। कि आप बोलो कि वहां पे 0 हो, कंपेयर टू मैनी इंडियन स्टेट्स, केरला हैज ए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम कंपेयर करें तो केरला बहुत ही अच्छी पोजिशन पे स्टैंड करता है, बट फिर भी यहाँ पे भी क्या है, कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर है। केरला इज फार अहेड ऑफ अदर इंडियन स्टेट इन द मैटर ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन एडवांसमेंट। द स्टेट हैज अ यूनिक प्लेस इन द लिटरेसी मैप। लिटरेसी मैप में ऑब्वियसली बात है, सबको पता है, इसकी एक अलग ही प्लेस है कि 90.92% यहाँ पे लिटरेसी रेट है, ठीक है। तो बस आप कह सकते हो 9% लोग हैं जो नहीं पढ़े लिखे होंगे, बट ऑलमोस्ट 90.92% अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। 2001 की बात हो रही है, देखिए, ठीक है। अब जो डेटा निकल के आएगा उसकी सिचुएशन अलग होगी, ठीक है। उसके बाद भी डिस्पाइट दिस रिमार्केबल अकम्पलिशमेंट्स, केरला क्या हैज नॉट सक्सेसफुल, फिर भी बच्चों को ये फॉर लेबर करवाने से ये दूर नहीं हटा पाया है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज ऐसा है
कि शो कर रहा है कितना, 1.11 लाख चिल्ड्रन केरला में एक ऐसे हैं, 1971 की बात हो रही है, जो इन तरीके की चीजों में इंगेज हैं, ठीक है। और 2001 में कितने हैं, 26,000। मतलब इतने होने की, इतना जो रेशियो आप देख रहे हो, जो डेटा देख रहे हो, सिर्फ इतना सा है, फिर भी वहां के लिए कंसर्न का मैटर है। और अपने यूपी में क्या है, सबसे ज्यादा है, फिर भी कोई कंसर्न की बात ही नहीं है, ठीक। तो ये डिफरेंस होता है लिटरेसी रेट का। जब लिटरेसी रेट, जहाँ पे लोगों को पता है कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, एजुकेशन नहीं होगी तो ये सारी चीजें रीजन बन जाएंगी निगेटिव अप्रोच की तरफ, ठीक। और यहाँ पे जब यूपी में एजुकेशन लेवल ही इतना कम है, लिटरेसी रेट इतना कम है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो डेटा है उसको बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पे 26,000 भी कंसर्न का टॉपिक बना हुआ है केरला में, इतना होने के बाद भी लिटरेसी रेट क्यों अभी भी जो चाइल्ड लेबर है वो इस हद तक थोड़ा बहुत है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का सर्वे हुआ है जिसमें दैट वर ओनली 10,000 चाइल्ड लेबर्स अंडर वन कंडक्टेड 2004 में हुआ था स्टेट स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें बताया गया था सिर्फ 375 बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पे कह लो आप, डेटा एनालिसिस चल रहा है, स्टडी चल रही है, ठीक है। कई चीजें छुपा भी ली जाती हैं, क्योंकि हमने देखा अपने यूपी में भी जो 2001 का सेंसस है उसके अकॉर्डिंग भी जो डेटा पूरा ऊपर का देखा हमने, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हुई ही नहीं है। तो कितना नंबर होगा जो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, इस सेक्टर में काम कर रहा होगा, ठीक है। सिर्फ हम अभी अपने ऊपर ऊपर से देख रहे हैं सेंसस के अकॉर्डिंग, जहां पर सीधे डायरेक्टली रिपोर्ट आपको मिल रही है, ठीक। तो यहाँ पे हमने देख लिया केरला के बारे में, यूपी हो गया, केरला हो गया। अब एक स्टेट और देख लेते हैं हम, दैट इज केरला की। ये पॉलिसीज पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे एनरोलमेंट क्या होता है, फ्री होता है, फ्री स्कूल मील एंकरेज की जाती है पुअर फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए, उनकी फैमिलीज के, ठीक है। एनी वन हु इज नॉट एनरोल्ड हिज सन और डॉटर इन स्कूल कम्स अंडर द प्रेशर फ्रॉम द अदर इनहेबिटेंट्स ऑफ द विलेज। अगर कोई भी ऐसी पर्टिकुलर एरिया का आदमी अपने घर में बच्चे और अपना बेटे बेटी को स्कूल नहीं भेजता है, उसका एडमिशन नहीं करवाता है, तो जो प्रेशर आता है सोसाइटी के और लोग की तरफ से आ जाने लगता है कि भाई क्यों नहीं भेज रहे हो अपने बच्चे को। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे निगेटिव प्रेशर आते हैं, ठीक है। अरे क्या ही करोगे पढ़ा के इतना। और केरला में जो सिचुएशन है क्या है, डिफरेंट है। यहाँ प्रेशर आ रहा है, लोग अच्छी बात बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिटरेसी से रिलेटेड बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट है। जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक। अब यहाँ बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड लेबर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। वॉइस आ रही है सबको? ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी सिलेबस में आपको तीन स्टेट मेंशन करनी ही करनी है, एक तो बहुत ही अच्छी स्टेट, ठीक है, जहाँ पे लिटरेसी रेट इतना होते हुए भी चीजें थोड़ी बहुत अभी भी डिस्टर्ब्ड हैं, और दो स्टेट की जो हमने अभी सेलेक्ट किया है अपने टॉपिक में, वो है यूपी और आंध्र प्रदेश। यूपी फर्स्ट नंबर पे है, आंध्र प्रदेश सेकेंड नंबर पे है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन रिगार्डिंग द चाइल्ड लेबर्स अकॉर्डिंग टू द सेंसस, इसका भी फिगर देख लो, 16,27,492 92 चाइल्ड लेबर्स इन आंध्र प्रदेश। 1971 की बात हो रही है ये। 1981 में भी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, 51 हो गया, ठीक है। फिर 16 लाख से और ऊपर पहुंच गया है ये 1991 में, और 2001 में कितना है, डिक्लाइन हुआ है 13 लाख पे। पर इस स्टडी में आप याद रखिएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड नहीं है, डेटा बहुत चेंज होएगा यहाँ पर जब आप दोनों सेक्टर्स को इन्वॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला। स्टडीज हैव शोन दैट इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन लेवल लीड्स टू डिमिनिशन चाइल्ड लेबर। ऑब्वियस सी बात है, इस पूरी स्टडी ने ओवरऑल ये निकाला है कंक्लूजन कि जहाँ एजुकेशन होगी वहां पे चाइल्ड लेबर कम होगा। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, एजुकेशन बढ़ानी है। एक्ट आएंगे, बिल आएंगे, सारी पॉलिसीज आएंगी, बट उनको इम्प्लीमेंट करना, घर घर तक पहुंचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस तरीके से केरला में लोग क्या है, पॉजिटिव तरीके से एक दूसरे के ऊपर, घर घर एक दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि भाई बच्चों को भेजो, भे क्यों रख रखा है, ठीक
यहाँ पे क्या होता है, अरे 2 साल का ही तो है, 3 साल का, 4 साल का ही तो, अभी क्या करेगा पढ़ते, ठीक है, एक टाइम के बाद में डालिएगा स्कूल में, क्या ही होगा। ठीक, अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, कितने लोग हैं जिन्होंने बच्चों के नाम कटवा लिए हैं स्कूल से, ठीक, क्यों, पैसा बचाने के लिए, उनको लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रही, बेकार का पैसा स्कूल्स में जा रहा है, क्योंकि उनको अभी चीजें पता ही नहीं है। ठीक, वो बहुत बच्चे जो ऑनलाइन आ सकते हैं वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी घर परिवार से ही उनको प्रेशर नहीं मिल रहा है, जो चीज उनको करनी चाहिए थी अब वोट्स भी हटा दिए गए, तो क्या ही करना पड़ के, पास तो हो ही जाना है। बट अब ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो देख रहे हैं कि पास हो जाना है, पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है, आगे आपने जब 10th ही ढंग से नहीं पढ़ा, 9th ही नहीं पढ़ा, 8th ही नहीं पढ़ा, तो आप 12th 11th 12th, तो बाकी की जिंदगी क्या करोगे आप, ठीक है, आपका बेस क्या हुआ, यहाँ आपका बेस पूरा हिल गया। ठीक, ये जो चीजें आपको अभी पढ़ा दी जाएंगी वो आपको कभी भी आगे समझ नहीं आएंगी, आप 1 साल में 2 या 3 क्लास की चीजें नहीं पढ़ सकते, ठीक है, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तब तक नहीं बैठ सकते जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है। यूपीएससी ले लो, जुडिशरी ले लो, आपको नीचे से बेस आपको क्लियर करना पड़ेगा सबसे पहले, तभी आप आगे चल के लाइफ में कुछ कर पाएंगे, तभी आप सिलेक्शन की बात सोच सकते हैं। ठीक, तो यही है उत्तर प्रदेश का, ये हो गया, हमने देख लिया। ये जो नेक्स्ट पेज है उसमें ये पूरी स्टडी जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो दी गई है, बट जो हमने डेटा पढ़ लिया है दैट इज मोर देन सफिशियंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पीडीएफ है हमारी कल की क्लास में, हमने डेटा स्टडी कर लिया कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा है, 2 स्टेट हमने देख लिए, अब हम इस इंडस्ट्रीज पे आ जाएंगे। अब एक एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जरी हो गई या फिर कोई भी इंडस्ट्री जो हमारे पास अवेलेबल है, आप भी सर्च करिएगा कानपुर में कोई इंडस्ट्रीज हो, उनका जो डाटा है, उनकी जो रिसर्च स्टडी है, उसमें कितने बच्चे काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर, विमेन कितनी है, ठीक है, वो ओवरऑल स्टडी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, आपके 2-3 क्लास में ये यूनिट कवर हो जाएगी, 3rd यूनिट। ओके, शैलेन जी, निशा, वंदिता, सद्दाम जी, आज आपका पहला क्लास है ना, हाँ ओके, आइए आप लोग क्लास आइए, थोड़ी बहुत ही नॉलेज मिल जाए, और ये भी है कि थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है, ठीक है, चीजों से, पढ़ाने का मन नहीं करता ना ही पढ़ने का मन कर रहा है इस समय, बट ड्यूटी जो है वो तो पूरी करनी पड़ेगी, है ना, थोड़ा माइंड चेंज करते हैं इसी में, तो सब लोग साथ होते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कल, हाँ कल हम नेक्स्ट आपका जो है वो इंडस्ट्रीज की स्टडी देखेंगे। ओके।